अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने जब इस चैनल को क्रिएट किया था तो इसका पर्पस ना सिर्फ डिफरेंट किस्म की क्लासेस के सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को कवर कराना था, बल्कि जनरल टॉपिक्स के ऊपर बात करना भी मेरा मकसद था। तो इसी सिलसिले में मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी तो आपको याद होगा वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर मैंने एक जर्नल सा आपको इंट्रो दिया था। बट अब मैं आपके पास दोबारा आया हूँ विद अ टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है जी, इसमें मैंने एक स्मॉल सी प्रेजेंटेशन डेवलप की है कि आपको जस्ट मैंने एक आइडिया देना है कि बेसिकली व्हाट इज योर कंप्यूटर एंड व्हाट इज बेसिकली कंप्यूटिंग। अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए, ये एक 9th क्लास के बच्चे से लेके, या यू भी कह लें ये एक 5th to 6th क्लास के बच्चे से लेके यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट्स का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इसमें जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसमें कंप्यूटर के बारे में पहले तो हम डिफाइन करेंगे, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर को थोड़ा देखेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, और 3-4 टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि डाटा, ठीक है, प्रोसेस, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन और स्टोरेज, इनको देखेंगे। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, इसकी मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, आप गूगल करें आपको मल्टीपल डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन जो आसान तरीन डेफिनेशन है वो क्या है कि कंप्यूटर कोई भी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ इनपुट के ऊपर यूज़र से डाटा रिसीव करेगी, उससे प्रोसेस करेगी अकॉर्डिंग टू सम इंस्ट्रक्शंस, और फिर इंस्ट्रक्शंस के बाद प्रोसेस किया हुआ डाटा, या जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहेंगे, उसे आउटपुट के ऊपर यूज़र को हार्ड फॉर्म में मीन्स पेपर पे, या सॉफ्ट फॉर्म में यानी स्क्रीन पे शो करा देगी, और ये भी करेगी कि उस इनपुट या आउटपुट को अगर आप चाहेंगे तो उसे फ्यूचर पर्पजेस के लिए अपने पास स्टोर कर लेगी। कंप्यूटर वैसे तो एक सिंगल वर्ड है स्टूडेंट और व्यूअर्स, लेकिन ये बहुत सी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कम्बिनेशन है। कंप्यूटर ये नहीं है कि एक टर्म है, कंप्यूटर बहुत सी चीज़ें मिल के बेसिकली कंप्यूटर बनाती हैं, और आज हम उसी को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिलके एक कंप्यूटर को डिज़ाइन करते हैं। तो भरते हैं आगे। कंप्यूटर के ज़्यादा तौर पे जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में तोड़ते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर से मुराद क्या है? वो कंप्यूटर के पार्ट जो फिजिकल हों, मीन्स जिन्हें टच किया जा सके, जिन्हें छुआ जा सके, जिन्हें फील किया जा सके, जो टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल मीन टच कर सकते हैं हम उन्हें, फील कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के। ठीक है, तो इस तरह के तमाम कंप्यूटर के पार्ट्स हम कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी में डालेंगे। इसमें वो तमाम डिवाइसेस होंगी जो फिजिकल हैं और डिफरेंट कामों के लिए कंप्यूटर का यूज होती है, जिसकी एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, मल्टीपल हैं, बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर हार्डवेयर को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स या डिवाइसेस में एज पर देयर वर्किंग डिफरेंसेस, मतलब हर टाइप की डिवाइस का अपना काम है। ये हम जब कंप्यूटर हार्डवेयर पे एक डिटेल लेक्चर लेंगे तो उसमें इंशाल्लाह सीखेंगे। इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? कहता जी कि वो कंप्यूटर के पार्ट्स जो कि नॉन फिजिकल हैं, मतलब वो टच नहीं हो सकते, मतलब वही जो कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन थी उसे को उल्टा दिया जाए, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अपनी एक डेफिनेशन भी है जिसे हम आगे स्टडी करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं या वो कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकल नहीं है, मीन्स एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन नॉन फिजिकल वे में, लॉजिकल वे में। ठीक है, आप इन्हें टच नहीं कर सकते, वो भी आप समझ भी जाएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, ये क्या टर्म है? बेसिकली कंप्यूटर की कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर हम उन्हें जोड़ दें और वो कोई काम कंप्यूटर से करवा दें तो हम उसे प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि 2+2, तो आप 2+2 में जो प्लस है ये बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन
अगर मैं मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस लिखूं जिससे कंप्यूटर एवरेज निकाल दे दो नंबर्स की, तो फिर वो एक प्रोग्राम बनेगा। तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच विल गाइड योर कंप्यूटर अबाउट सम एक्टिविटी विच नीड्स टू बी एग्जीक्यूट फ्रॉम कंप्यूटर, मतलब किसी एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर से आपने करवानी है उसके बारे में उसको गाइडेंस देना। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए स्टूडेंट की कंप्यूटर एक मशीन है, उसका अपना ब्रेन नहीं है, उसे आपने काम कहना भी है और वो काम उसे करना कैसे ये भी उसे समझाना है। तो बेसिकली प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कंप्यूटर को बताएगा कि उसने क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो कि डिफरेंट कंप्यूटर से टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे मिसाल देता हूँ, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है, ये टाइपिंग के लिए यूज होता है। और इसके अंदर टाइपिंग फिर खाली काम नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल आपके पास सीरीज ऑफ एक्शन हैं जो आप अपने पेपर पे करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो मिल के उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप मुख्तलिफ किस्म के काम करा रहे हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नेचर प्रोग्राम्स अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो वो क्या मिल जाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसलिए अगर आपको प्रोग्राम की समझ आ जाएगी तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग, जस्ट सिंपली यू कैन से अ सीरीज ऑफ अ लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच विल हेल्प द कंप्यूटर टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क। फर्दर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज होता है कंप्यूटर के कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए भी, क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट जो हैं उनको मैनेज करने के लिए आपको कोई मैनेजर चाहिए होता है, ठीक है, और वो मैनेजर बेसिकली आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिकली आपका कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प देता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जब हम डिवीजन करते हैं जितने भी दुनिया में मौजूद हैं तो ज़्यादा तौर पर हम इन्हें दो सॉफ्टवेयर में डिवाइड करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बेसिकली यूज़र सॉफ्टवेयर जिन्हें हम कह सकते हैं जो यूज़र के काम करता है, जैसे अभी एग्जांपल दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये सारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र के मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका वो सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा टास्क मैनेजर, ठीक है, डिवाइस मैनेजर, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है जी। ये हम इंशाल्लाह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर को जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब ये इंशाल्लाह देखेंगे। नहीं जी, फर्दर हम चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो कि कंप्यूटर्स में आपको अवेलेबल होंगे, डाटा, प्रोसेस, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज। पहला एस्पेक्ट देखते हैं डाटा। डाटा क्या होता है, अ रॉ और यूजलेस और नॉन मीनिंगफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स, पिक्चर, साउंड, वीडियो का कॉम्बिनेशन जिसे हम प्रोसेस करेंगे ताकि हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ है लेकिन वो अरेंज नहीं है, तो वो क्या है, बेसिकली डाटा जिसमें मुख्तलिफ फिगर्स भी हैं, मुख्तलिफ अल्फाबेट्स भी हैं लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं। इसी तरह एक साउंड है उसके अंदर नॉइज भी है, उसके अंदर मुख्तलिफ वॉइसेस ऐड हुई हैं लेकिन मुझे उसमें से एक खास वॉइस सुननी है, तो वो साउंड जो क्लिप है वो बेसिकली मेरा डाटा है। तो डाटा बेसिकली किसी भी ऐसे फैक्ट्स को, फिगर्स को, पिक्चर को, साउंड को या वीडियो को आप कह सकते हैं जो कि रॉ हो, जो कि अनयूजफुल हो, यूजलेस हो, और आप उसको प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो उसको कन्वर्ट कर देगा इंफॉर्मेशन में, वो हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली डाटा क्या है, रॉ इंफॉर्मेशन मींस यूजलेस इंफॉर्मेशन जिसे हम यूज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कंप्यूटर को थ्रू इनपुट डिवाइसेस दिया जाएगा जो हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में देखी, वो हम इंशाल्लाह कंप्यूटर हार्डवेयर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस इसको मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगी ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, ठीक है जी। डाटा के बाद आपके पास डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है, मींस इसमें टेक्सचुअल डाटा भी होता है,
पॉइंटिंग डेटा भी होता है, ये बेसिकली माउस की एग्जांपल ले लें, जॉयस्टिक की, ठीक है, या पॉइंटिंग स्टिक की, ठीक है, या टच पैड जो आपके लैपटॉप्स में होता है, ये बेसिकली पॉइंटिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं आपके कंप्यूटर को, ठीक है ना, जिसके तहत आपका माउस का कर्सर वगैरह मूव होता है। इमेज भी हो सकती है और साउंड भी हो सकता है। टेक्स्चुअल में आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स दोनों आते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं और नंबर देते हैं। इसकी मैंने एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 स्टूडेंट्स के ऑब्टेंड मार्क्स हैं क्लास के और आपको एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के चाहिए उस क्लास के, तो ये 50 मार्क्स का सेट है उन स्टूडेंट्स का जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज है, ये बेसिकली आपका डाटा है जिसको आप बाद में प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे एक्सपेक्ट की तरफ आते हैं, प्रोसेस स्लैश प्रोग्राम। अभी हमने पीछे भी पढ़ा, प्रोसेस या प्रोग्राम से मुराद वो इंस्ट्रक्शंस का सेट है व्यूअर्स जो आप प्रोसेसिंग यूनिट अपने कंप्यूटर को देंगे और वो आपके डाटा पे मैनिपुलेशन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा ताकि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है जैसे कि सम, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या ये कोई लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है जैसे कि कंपैरिजन हो जाए या एंड और नॉट हो जाए, ठीक है जी। और ये प्रोग्राम को फिर से मैं वही कहूँगा कि प्रोग्राम क्या डिफाइंड होता है, एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो सिंपली प्रोसेस या प्रोग्राम से मुराद है कि आपके इनपुट पे आए हुए डाटा के ऊपर जो काम कंप्यूटर ने करना है ताकि इंफॉर्मेशन बन सके। जैसे कि हमने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करनी थी, तो वो इंस्ट्रक्शन या वो इंस्ट्रक्शंस का सेट जिसके थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमारा बेसिकली क्या है, प्रोग्राम। अब तीसरा एक्सपेक्ट देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में वो डाटा जो प्रोसेस्ड हो जाए या आउटपुट आपके प्रोसेस की या प्रोसेसिंग की या प्रोग्राम की क्या होती है, इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है बेसिकली, जब आपका डाटा प्रोसेस होता है एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन से जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, तो हमें डिजायर्ड जो आउटपुट मिलती है वो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मीनिंगफुल बेसिकली डाटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं कि 50 स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स के थ्रू आपने एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो जो एवरेज मार्क्स आपके निकलेंगे वो बेसिकली आपका क्या होगा, इंफॉर्मेशन। चौथा एक्सपेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वो एक्सपेक्ट है जो कंप्यूटर को कैलकुलेटर से डिफरेंट करता है, वो है स्टोरेज या मेमोरी। डेटा या इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम आपका कंप्यूटर अपने अंदर महफूज करता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो टेम्परेरी तौर पे करेगा तो कंप्यूटर जैसे ही बंद होगा वो डिलीट हो जाएगा, या परमानेंटली करेगा तो फिर वो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक डिलीट नहीं होगा, ठीक है जी। उसके लिए बेसिकली मेमोरी डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर में यूज होती हैं इसको स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली स्टोरेज का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये क्या करता है, आपका डिफरेंट किस्म का डाटा या इंस्ट्रक्शंस को जब वो प्रोसेस होने वाली हों या प्रोसेस हो रही हों या प्रोसेस होने के बाद उनको फ्यूचर के लिए अपने पास स्टोर कर लेता है जब आप उसे कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जिसकी वजह से कंप्यूटर कैलकुलेटर से अलहदा हो गया, ठीक है। पहले कंप्यूटर कैलकुलेटर एक था, ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में भी थोड़ा बहुत इसका हिंट दिया था, ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह दोबारा एक दफ़ा लाइव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर कैलकुलेटर पहले एक ही चीज़ होते थे। अब एक्स से अगर हम शुरू करें तो पास्कलाइन कैलकुलेटर, तो ये सारे बेसिकली कैलकुलेटर्स थे, लेकिन फिर ऐसा ऐसा जर्नल एक्सपेक्ट आता गया कि कैलकुलेटर इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशंस, बट कंप्यूटर आपके ना सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता है बल्कि आपके जनरल पर्पस डिफरेंट किस्म के टास्क भी परफॉर्म करता है। और बेसिकली कैलकुलेटर आपका मेमोरी सर्विसेज पहले नहीं देता था और कंप्यूटर आपका मेमोरी सर्विसेज देता था, तो यही वो एक्सपेक्ट था जिसकी वजह से आपके कैलकुलेटर में और कंप्यूटर में फ़र्क आ गया। ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है कंप्यूटर का जो मैंने बनाया है, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि डाटा आपकी इनपुट पे आता है और ये फिर मेमोरी या स्टोरेज में चला जाता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, और मेमोरी डिवाइसेस फिर इसको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेस या प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हैं और फिर प्रोसेस या प्रोग्राम इसके ऊपर काम करके इंफॉर्मेशन या आउटपुट पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो डाटा बेसिकली आपके इनपुट है, ठीक है जी, जो कंप्यूटर तक जा रही है, उसके बाद कंप्यूटर इस पर प्रोसेस चलाएगा
और जो आउटपुट है वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन है। तो आई होप सो कि आपको आज जर्नली ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपका कंप्यूटर बेसिकली ऑपरेट कैसे होता है और इसके जर्नल कंपोनेंट्स की आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यूअर्स तक भी जाए और अपने रिकमेंडेशन और सजेशन जरूर शेयर करें ताकि वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आई होगी। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर हार्डवेयर पे हम रखेंगे। ठीक है, उसमें डेप्थ में ज़रा कंप्यूटर हार्डवेयर को देखेंगे। मेरी कोशिश होगी कि एक टॉपिक के ऊपर हम एक लेक्चर को ही कवर करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखें। टेक केयर।